already. When he was told about the poisons, he asked him what was the poison, sir? What is the name? So he told him barium carbonate. Now, doctor, he want to check his dictionary about what was the effect on that poison. अब जैसे पर पूछने लगता है डॉक्टर्स, जब डॉक्टर्स को कौन बताता है डायरेक्टर्स की क्या है जो बियर था ब्रूनो, उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया तो पूछने लगता है सर कौन सा पॉइजन का नेम बताए, तो बताने लगता है कि बेरियम कार्बोनेट, तो कहने लगता है सर वेट अ मिनट, ओके मैं अपने क्या है जो डिक्शनरी है उसमें देखता हूँ कि इस बेरियम कार्बोनेट का बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे वो चेक करता है फाइनली वॉज नॉन बिकॉज That barium carbonate had affected as a paralysis in his our body. तो बताने लगता है कि जैसे उसको होता है सर उससे paralyze हो जाता है। Finally उसके बाद वो उसको देखने लगता है कि उनकी सांसें breathing बढ़ने लगती है, mouth open होने लगता है, वो vomiting करता है। But they haven't changed anything and now his situation have got very worse और भी खराब होने लगता है। Finally he was decided he will be take a injection. अब वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उसको क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज टेक अ 10 सीसीस इंजेक्शंस फॉर ब्रूनो। आफ्टर दैट दे हैवंट चेंज एनीथिंग सो ही वाज वॉच सम टाइम्स। वो पहले 10 क्या करता है 10 सीसीस का जो इंजेक्शंस लगाता है, उसके बाद वो कुछ देर तक ऑब्जर्व करता है। आफ्टर दैट व्हेन ही वॉच बट एनी हैवंट चेंज हिज कंडीशन, फाइनली उसकी कंडीशंस पे कोई चेंजेस होता ही नहीं, तो यार वो फिर डिसाइड करता है। आपको क्या डिसाइड करता है डॉक्टर, कि वो दोबारा 10 सीसीस का फिर से इंजेक्शन वो लगाएगा। नाउ इट इज द सेकंड टाइम व्हेन ही वाज टेकिंग इंजेक्शन ऑफ ब्रूनो। ब्रूनो को दोबारा जब 10 सीसी का इंजेक्शन फिर लगाते हैं, इन दिस टाइम्स ही वाज द वेक अप, ही वाज जस्ट लाइक एस प्रीवियस ब्रूनो, जैसे वो पिछले ब्रूनो था वैसे वो एकदम फिट हो जाता है और वो अपनी फीट्स पे खड़ा हो जाता है। अरे ऐसा लगता है कि जैसे उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, और इस तरीके से वो अपने आप क्या करता है, वो प्रॉपर रिवर्स कर लेता है। नाउ आफ्टर दैट व्हेन दे हैव डन एंड आफ्टर दैट वन अनदर इंसिडेंट विद द ब्रूनो एंड व्हाट वाज दैट नैरेटर्स ओल्ड कार, they have five gallons as the 5 liters of gallon they have drinks the old oil. अब पुराना जो oil होता है वो narrators की car से जो कि उन्होंने is for insect को भगाने के लिए रखा था, तो वो उसको क्या कर देता है, he was just like as the milk because every day he was eating and drinking the milk or everything, that's why he was drinking that all 5 liters gallons on that oils. अब पूरी तरीके से जो oil होता है old oil होता है उसको वो क्या कर लेता है, milk का जैसे उसको पूरा पी जाता है। But they haven't any problems with him, लेकिन उसको तो कुछ होता ही नहीं है, उसकी body पर उसका कोई effect नहीं पड़ता। Now lots of problems with him, but he has all right now. अब उसको बार बार ये प्रॉब्लम्स वो क्या करता है वो बताने लगता है कि लेकिन वो जान लेते हैं बट उसको ब्रूनो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। फाइनली नाउ एज नरेटर्स वाइफ हैव चेंज्ड टू ब्रूनोस नेम एंड इट्स कॉल्ड बाबा। अब ब्रूनो का जो नेम है वो नरेटर्स की वाइफ उनको बदल देती है और अब उनका नेम बाबा होती है, जस्ट लाइक एज द ह्यूमन चाइल्ड। अब ह्यूमन चाइल्ड में जैसे बाबा नेम रखते हैं वैसे ही नैरेटर्स की वाइफ भी क्या करती हैं, उनका नेम बाबा रख देती हैं। नाउ बाबा हैव ग्रोथ एज द यंग सो हिज साइज वाज जस्ट लाइक एज अ डॉग एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज। नाउ इट वाज द रीजन ऑल चिल्ड्रन एज द नेक बोन्स दे एवरीवन हैव स्टार्ट टू फियर विद ब्रूनो एज अ बाबा। अब उन्हें क्या लगता है वहां पे जितने भी बच्चे थे जितने भी पर्सन थे वो आने से डरने लगते हैं, क्योंकि डरने का रीजन ये था कि जो ब्रूनो की अब बाबा की जो साइज है वो बहुत बढ़ चुका है एंड दैट्स व्हाई ही वाज लुकिंग इट्स मोर डेंजरस कंपेयर देन पास्ट। अब पहले से वो और भी ज्यादा अब डराना लगने लगता है, क्योंकि वो एक यार कॉमन सी बात है ना, भले वो एक पेट है लेकिन वो एक क्या है एनिमल एंड स्पेशली बियर।
कॉमन सी बात है कि जो अदर्स होते हैं वो तो डरेंगे ही। हम नॉर्मल से किसी के घर जाते हैं, अगर हम डॉग को देखते हैं तो थोड़ा हमको डर लगता है, तो वो तो उसकी साइज भी बहुत अब बड़ा हो चुका था, इसीलिए लोग उसके घर आने से अब डरने लगते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल्स टोल्ड टू एंड स्पेशली नरेटर्स फ्रेंड टोल्ड टू हिम बेटर फॉर यू इफ यू विल बी डॉग इन द जू। अरे सबके लिए अच्छा हो गया कि आप उसको क्या करो, अब जू में रख दो। फाइनली Now he was thinking about the Baba and that is good because of people and start to fear him. अब लोग उससे डरने लगते हैं, इसलिए होता क्या है कि narrators उनको लगने लगता है कि हाँ ये बात सही है, तो वो conversations करता है किससे, narrators की wife से। But narrator's wife not want to send there, लेकिन वो तो उसको चूहे भेजना नहीं चाह रहे थे because she's love just like at her चाइल्ड, वो उनके अपने बच्चे जैसा ही उनका केयर करती थी। दैट्स वाई सी नॉट वॉन्ट टू सेंड हर, और यही रीजन था कि वो उसको भेजना नहीं चाहती थी। बट फाइनली नाउ लॉट्स ऑफ टाइम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एंड फाइनली एग्री, बट शी वाज नॉट लाइक इन हर हार्ट, वो अपने हार्ट से अपने दिल से वो उसको भेजना ही नहीं चाहती थी, अपने से दूर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बार बार फोर्स करने के कारण वो समझना एग्री हो जाती है। नाउ नरेटर हैव राइट अ लेटर टू द जू ऑफिसर एंड इफ यू वांट टू बीयर इन योर जू सो प्लीज कम एंड टेक दैट एंड बिकॉज दैट वाज द मैस सो देयर हैव अ 80 किलोमीटर हैव अ डिस्टेंस। अब वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था, जैसे वो लेटर्स मिलता है तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, दे हैव अ सेंड अप जीप्स एंड दैट अ केज, केज के साथ एक जीप को भेज दिया जाता है और बाबा को क्या कर दिया जाता है उस जू में ले जाया जाता है। फाइनली जैसे वो जू में पहुंचता है तो उनके अदर एनिमल्स टाइगर्स और लॉट्स ऑफ बियर्स, सो ही वाज अंडर द केज, अब केज के अंदर से रख दिया जाता है। बट इन दिस टाइम्स नरेटर्स वाइफ शी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग एल्स बिकॉज ऑफ बाबाज लव एंड बाबा हैव अ सेम, ही इज कंप्लीटली रिफ्यूजेस टू ईटिंग एनीथिंग ऑन दैट जू, सो जूज ऑनर and they have sending the message, what was that, they have not eating anything else, ki wo log kuch nahi kha rahe, jaise ek din kya hota hai narrator's ka friend us zoo mein jata hai to wo dekhta hai aur wahan ke log us batate hain ki wo kuch bhi nahi kha pi raha hai. Finally he was come to the narrator's side and he told everything this, so after that narrator's wife heard about the babas, so she's waiting of time. But narrator told that tomorrow we will be go. But she is not wasting that time. जैसे वो सुनती है कि बाबा कुछ खा नहीं रहा है, तो बिना क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वो उनके हस्बैंड से कन्वर्सेशन करते हैं। बट उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हम कल चले जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहती, वो कहने लगते हैं कि वो उसको खुद से भेज दे, अदरवाइज वो खुद से बस एक कार से चली जाएगी। फाइनली वो खुद से क्या करते हैं, दोनों जब वहाँ पर जाते हैं narrators और उनकी वाइफ, तो नरेटर्स वो अपने साथ बहुत सारे क्या करती हैं, वेजिटेबल्स मिल्क और वो सब चीज़ ले जाए रहते हैं, तो नरेटर्स को फील होने लगता है डेफिनेटली ही विल बी नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ हैव दे हैव कंप्लीटेड, यार बहुत दिन हो गए तो शायद वो ना पहचाने। जैसे लेकिन बाबा के पास पहुँच जाती है नरेटर्स की वाइफ, तो उसको पहचान लेता है वो एग्जैक्ट ऑफ टाइम, ही इज स्टैंड ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो उसको देखने लगता है। दोनों अब क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर मिल जाते हैं, वो उसको क्या करने लगते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स उनके लिए ले जाए रहते हैं सबको खिलाने लगते हैं। अब 2 or 3 hours का टाइम था उनके मिलने के लिए, फाइनली वो टाइम सब ओवर होने वाला था, इट इज द रीजन नाउ सी वॉन्ट टू लेव दैट प्लेस, बट बोथ हैव स्टार्ट टू क्राइंग, अब दोनों रोने लगते हैं, यार क्यों, ये होता है ना जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं स्पेशली हम उनको छोड़ने में हमें बहुत हर्ट होता है, वैसे ही नरेटर्स की वाइफ के साथ होता है, तो नरेटर्स की वाइफ कहने लगती है कि वो बाबा को अपने घर लेकर वापस जाना चाहती है, तो वहाँ के जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो बताते हैं बिकॉज इट्स कॉन्ट डू दैट, वो ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दैट वॉज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो बताने लगते हैं इफ बेटर फॉर यू इफ यू कैन टॉक विथ और हेड, वो आप बोलने लगते हैं कि बेटर होगा कि आप हमारे हेड से बात कर लो, दे हैव नॉट बीन ही
बैंगलोर से, वो बैंगलोर में रहते हैं, जब वो उनसे जाके बात करते हैं तो वो उनसे एग्री हो जाते हैं और वो कॉल करके कहता है कि हाँ ब्रूनो को जो बाबा है उनको क्या कर दो, उनके ऑनर के पास से भेज दो और उनके लिए एक केज में भेज देना। अब फाइनली केज के साथ बाबा को वापस वहीं पे ले आया जाता है जो उनका पहले से घर था। अब क्या करते हैं नरेटर्स और उनकी वाइफ एक डिसाइड करते हैं कि बाबा के लिए एक डिफरेंट आइलैंड बनाया जाए। तो बाबा के लिए क्या करते हैं, एक आइलैंड बनाया जाता है जो क्या होता है 20 feet लेंथ होता है और 15 feet उसका वाइड होता है। फाइनली उसमें इस तरीके से डिग्री बनाया जाता है जिसमें पूरे कवर ड्रेस से 6 feet वाटर्स होते हैं और सेंटर से उनके लिए एक हाउस बनाया जाता है। एंड दे हैव फॉर ओनली फॉर बाबा बिकॉज ही नेवर वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क विद अदर पीपल्स। अब लोगों से बचाने के लिए वो उसके लिए एक अच्छा सा आइलैंड बनाते हैं जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है और सेंटर में उनका एक वुड का क्या बनाया जाता है, हाउस बनाया जाता है। एंड देयर हैव लॉट्स ऑफ प्लेस थिंग्स एंड द टॉयस और एवरीथिंग एल्स, वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रख देते हैं जिससे कि वो वहाँ पे खेलते अब वो खेलता रहता है। और जो नरेटर्स की वाइफ होती है वो उनके पास एज द रोप रस्सी के सहारे उनके पास डेली जाती हैं और उनसे बहुत देर तक उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरीके से जो क्या होता है लगातार उनका चलता रहता है और ये जो बॉन्ड ऑफ लव होता है वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा एज अ रिलेशनशिप बॉन्डिंग बना होता है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अवर चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव है फिनिश्ड। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव लाइक सो